पूरा हरियाणा सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। यमुना की सफाई का सरकार ने वायदा किया था और करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी करते हैं, परंतु पानी कहीं से साफ नहीं हुआ। फैक्ट्रियां सीधी पानी बिना फिल्ट्रेशन किए हुए, बिना एसटीपी और डब्ल्यूटीपी का इस्तेमाल किए हुए जमीन के अंदर पानी डाल रही है, जो दूषित पानी है। धरती के नीचे के पानी को भी दूषित किया जा रहा है और सीधा यमुना में भी डल रहा है। इस काली करतूत के हमारे पास डिटेल्स सर्च है, आज हम उसको एक्सपोज करेंगे। हमने ताजे वाला से ये साफ पानी लिया, ताजा वाले से जब पानी चलता है यमुना के अंदर तो उसकी ये पोजीशन है, और चलते चलते अलग अलग जगह चलते हुए ये इसकी स्थिति आ जाती है। हमने ताजे वाला से लेके इंद्री तक 10 जगह से यमुना नगर में ही है ताजा वाले से, ताजे वाला जगह है आपकी, और ताजे वाला से लेके इंद्री तक का ये हाँ जी, ये हमने सारी टेस्ट रिपोर्ट है इसकी। पानी जहां से दूषित एकदम पड़ता है तो स्थिति उसकी ये हो जाती है। फिर नदी का खुद का जो फिल्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसके गंध को तो हटाती है, परंतु जो केमिकल है वो मिला हुआ रह जाता है। जब केमिकल मिला हुआ रह जाता है तो उसकी बड़ी स्थिति गंभीर होती है। मेरे साथ में हमारे साथी हैं चिराग सिंगल जी, हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये सैंपल लिए, एक बार आपका एक्सप्लेन करेंगे, आप बताइए। देखिए, यमुनानगर में आज से 10-12 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो यमुना घाट बनाए गए थे जहां पर सब लोग नहाने के लिए भी जाते थे और छठ पूजा का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था दिवाली के बाद। लेकिन अब पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा गंदगी वहां पर हो चुकी है कि आज के समय में दूषित पानी, चाहे वो दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स का पानी हो, वो खुलेआम छोड़ा जा रहा है, चाहे आप बात कर लें सीवरेज पानी की, वो छोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा जगाधरी, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है और जगाधरी के अंदर मेटल इंडस्ट्रीज है, तो मेटल को साफ करने के लिए एसिड का उपयोग किया जाता है। तो वो जो एसिडिक पानी है उसको एक डिच ड्रेन के माध्यम से यमुनानगर के जगाधरी से कैंप तक लाया जाता है और उसके बाद यमुना के साथ साथ उसको नबीपुर, जो आपका इंद्री के बैक साइड में एक विलेज पड़ता है, बहुत रिमोट एरिया, वहां जाना भी बड़ा मुश्किल है, रोड्स भी बहुत खराब है, वहां पर ले जाके उस डिच ड्रेन के पानी को मेन यमुना नदी में मिला दिया जाता है। तो अगर आपने यमुना नदी में ही मिलाना है तो इतना लंबा ट्रेंच बनाने की क्या आवश्यकता है? वो सिर्फ एक आई वॉश है, सिर्फ एक दिखाने की कोशिश है कि हम यमुना को साफ रखे हुए हैं। जबकि जो आप इस ट्रेंच को देखेंगे पूरे को, तो गूगल मैप पे भी ये साफ नजर आता है और पूरा ब्लैक पट्टी एक अलग से यमुना के पैरेलल चलती हुई आपको नजर आएगी। और हम लोगों ने जो सैंपलिंग की, हम तीन लोग उसमें मेन थे, राहुल भान जी है जिला सचिव यमुनानगर से और एक हमारे रवि गुप्ता जी हैं, तो हम तीन लोग वहां पर गए, अपनी गाड़ी से गए, हमें पूरा दिन लगा वहां पे, सुबह से लेकर रात तक हम लोगों ने 10 जगह से अलग अलग सैंपल लिए और सबकी प्रॉपर टेस्टिंग हमने एनवायरमेंट टेस्टिंग लैब है ये रिसर्च सेंटर पानीपत में, वहां पे सैंपल सबमिट किए, उनकी ये लैब रिपोर्ट है 10 की 10 अलग अलग लैब सब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बता दूं कि कभी भी पानी के अंदर ना तो सीओडी होना चाहिए अगर हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं और इरिगेशन के पानी की बात कर रहे हैं, ना तो उसमें सीओडी होना चाहिए, ना उसमें अमोनिकल नाइट्रोजन होनी चाहिए, ना उसके अंदर सोडियम होना चाहिए, ना पोटेशियम होना चाहिए। ये चार चीजें तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है पानी की, क्योंकि पानी चलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें गंदा पानी मिलाते हैं तो वो डाउन हो जाती है। जबकि इरिगेशन के लिए अगर जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी तो इरिगेशन में जो भी आपके पौधे फल फूलने हैं, जो भी आपकी फसल होनी है, वो बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। जो कि अगर आप बात करेंगे लाड़वा के आसपास जो धनोरा एस्केप का एरिया है, जहां धनोरा एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से दो जगह डिवाइड होता है पानी यमुना का, एक तो आपका करनाल की तरफ चला जाता है, कुरुक्षेत्र की तरफ भी जाता है,
तो वहां पर इतना ज्यादा बुरा हाल है कि वहां पर फसल नहीं हो पाती, और उसकी पूरी टेस्टिंग रिपोर्ट गूगल पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा वो रिपोर्ट बनाई गई है। तो ये जो चीज है, पिछले 10 साल से भी इन लोगों ने उसमें कुछ नहीं किया। देखिए, जो सीओडी लेवल है आपका ताजे वाला का, वो जीरो है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट मंथ होना होता है या फिर डाउन होना होता है? मैं बता रहा हूँ सर आपको, जहां पे अप हो रहा है सीओडी, वो आपका आ जाता है, ये यमुना गली एक जगह पड़ती है स्टेशन से पहले, उसके बैक साइड में यमुना नगर में ही ये आ रहा है 85 सीओडी लेवल। उसके बाद ये सीओडी लेवल, उससे अगला जो डिच ड्रेन है जो जम्मू कॉलोनी एक जगह पड़ती है, वहां पर पहुंच जाता है 344, जो कि जीरो होना चाहिए। फिर ये, क्योंकि यमुना का पानी उसमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, तो ये डाउन होता है। बट अगेन, जो धनोरा एस्केप की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर डिच ड्रेन का पानी मिक्स किया जा रहा है, वहां पर ये 610 पहुंच जाता है, सीओडी की बात कर रहा हूं सिर्फ। और उसके बाद जो नबीपुर है, जहां ये यमुना नदी में मिला दिया गया, क्योंकि मिलने के बाद हमने सैंपल टेस्ट किया, तो ये 37.40 आ रहा है आफ्टर मिक्सिंग इन यमुना, तो स्टिल इट इज वेरी वेरी हाई, जबकि ये जीरो होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।